नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसा महा उपाय आप लोगों को बताऊंगी कि जिससे अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ अगर करते हैं तो ऐसी कोई भी विश नहीं है जो आप कंप्लीट ना कर सके। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सात दिन का संकल्प लेना है। और वो संकल्प कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस संकल्प को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी आज के इस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों बिजनेस काफी डाउन जा रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, शादी होते होते नहीं होती है, बात तो बन जाती है लेकिन फिर अंत समय में जाकर वो कहीं ना कहीं टूट जाती है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा लगा हुआ रहता है, पैसों की वजह से तंगी आ गई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब ये उपाय जरूर कीजिए। साथ में अगर किसी लड़की ने या फिर लड़के ने किसी एक दूसरे को अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है और किसी को पास में पाना चाहते हैं तो ये उपाय एक रामबाण का उपाय है। इसे करके देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ करके देखिए, तब आप देखेंगे कि करने के बाद जब ये पूरी होते ना होते आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं या फिर वो विश आपकी उससे पहले कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प कंप्लीट जरूर कीजिए। तो आज का जो उपाय है ये उपाय है श्री हनुमान जी का उपाय, जो कि काफी पावरफुल उपाय है। और ये एक पंडित जी ने मुझे ये उपाय करने को कहा था और मैंने किया भी था, दूसरे को भी सजेस्ट किया था, जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक परिणाम सामने आया था, ठीक है। तो ये उपाय है हनुमान जी का उपाय। आप सबको पता है हनुमान जी जो है वो है संकट मोचन, वो हर संकट को दूर करते हैं और हर कार्य को बनाते हैं। अगर कोई कार्य बिगड़ गई है तो उस कार्य को भी वो बनाते हैं, ठीक है। कोई भी दिली इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो कि बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो ये उपाय रामबाण है। अब किसी की बात आती है कि किसी का मंगल डाउन है, मंगल की वजह से बुरे परिणाम आ रहे हैं, शनि की वजह से बुरे परिणाम आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये जो उपाय है ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे करने से आप खुद देखेंगे कि आपके बिगड़े काम तो बनते ही है। साथ में अगर आपकी नेचर में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा अपशब्द यूज कर देते हैं, ऐसा गुस्सा आता है कि वो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे उपाय के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम एकदम से क्योर हो जाए। देखिए हनुमान जी को माना जाता है कि उनके जो भी उपाय होते हैं उनके रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट स्थाई होता है, वो टेम्पररी रिजल्ट नहीं होता है, वो हमेशा स्थाई होता है। इसलिए जब भी हनुमान जी का कोई भी उपाय कीजिए तो आप इतना तो जरूर ठान लीजिए कि आप श्रद्धा दिखाएंगे, आप उनके लिए प्रेम दिखाएंगे तो आपको उनका रिजल्ट भी स्थाई ही मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वो क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो उपाय है वो करना है या तो किसी मंगलवार से शुरू कीजिए या फिर किसी शनिवार से शुरू कीजिए। दिन का चुनाव आपको करना है कि आप किस दिन कंफर्टेबल हो, मंगलवार के दिन हो या फिर शनिवार के दिन हो। तो ये देखिए शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन का चुनाव करते हैं तो ये दोनों दिन ही काफी पावरफुल होता है और ये शनि मंगल के लिए हनुमान जी को वरदान माना गया है, ठीक है। तो आप शनिवार से कीजिए या शनि मंगलवार से कीजिए, आपकी चॉइस है। करना क्या है कि आपको चाहिए एक तांबे का लोटा, ठीक है, दो लौंग, एक कपूर, एक घी का दिया और एक लाल आसन, ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगा। और हनुमान जी की मूर्ति या फिर हनुमान जी का चित्र ये आपको सामने रखना है। जब आप लाल आसन पर शुद्ध होकर नहा कर सब कुछ कर लेते हैं और नहाने के बाद जब आप शुद्ध हो जाते हैं तब आप उस आसन पर बैठिए, स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठिए। और ये क्रिया आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ये क्रिया आपको शाम को ही करना है 7 बजे के बाद, ठीक है, याद रहेगा 7 मंगलवार 7 बजे के बाद, 7 शनिवार 7 बजे के बाद, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, लाल
आसन बिछा लिया, उस पर बैठ गए, एक घी का दिया सामने रखिए, उसमें दो लौंग डालिए और एक कपूर का टुकड़ा डालिए और सामने हनुमान जी की मूर्ति अगर है तो उसे लाल कपड़े पर बिछा कर सामने रखिए अपने। अब क्या करना है, आपको एक लोटे में जल को लेकर यूं दाहिने हाथ में आपको ये संकल्प लेना है उनके सामने कि मैं ये अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए ये संकल्प ले रहा हूँ और मैं ये 7 दिन तक लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। 7 मंगलवार या फिर 7 शनिवार का संकल्प लेकर हर 7वें दिन यानी कि हर मंगलवार या शनिवार को आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 7वें दिन के बाद आप इसे उद्यापन करेंगे। तो ये जो संकल्प लेते हैं, ये संकल्प में आपको ये कहना, अपने विश को कहना और कहना है कि मैं चाहता हूँ कि ये आप पूरी करें, ठीक है। और इसी संकल्प के साथ मैं आज से ये पूजा स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। करने के बाद जब आप हाथ में पानी ले लेते हो फिर वही पानी को जमीन पर गिरा दीजिए, ठीक है। ये होता है संकल्प लेने का पहला जो रूल होता है, ये होता है संकल्प लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो दिया जलाएंगे तो जलाते वक्त भी श्री राम श्री राम श्री राम कह के ही आपको वो दिया भी प्रज्वलित करना है, ठीक है। करने के बाद उसमें ऑलरेडी आप लोगों ने 2 लौंग डाल दिया, 1 कपूर का टुकड़ा डाल दिया। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा को पाठ करना है। अब पाठ करने में हम भोग क्या लगाए हनुमान जी को, तो देखिए इसमें लड्डू मस्ट है। आप 2 लड्डू ज़रूर रखिए और 5 तरह के फल ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ 5 तरह के फल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप एक संकल्प के साथ कह रहे हैं और संकल्प में 5 तरह का फल होना ज़रूरी है और 2 लड्डू होना ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में आप लोग कुछ फूल भी चढ़ाने के लिए लाल फूल ले सकते हैं हनुमान जी को देने के लिए, ठीक है, चढ़ाने के लिए। अब इसको क्या करना है, आप जब संकल्प ले लिए, आप उनको भोग लगा दिया 2 लड्डू और 5 तरह के फल, और उसके बाद आपको करना क्या है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये 7 बार पढ़ने से पहले आपको गणेश जी की पूजा यानी गणेश जी की मंत्र आपको 7 बार कहना है। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। ये 7 बार आपको पहले करना है चालीसा पढ़ने से पहले। गणपति की पूजा के बाद यानी गणपति के मंत्र के उच्चारण के बाद आपको 7 बार राम नाम लेना है, ठीक है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, या फिर जिस जो भी राम जी का मंत्र है वो आपको 7 बार लेना है। उसके बाद फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जब 7 बार कंप्लीट हो जाती है आपको फिर हाथ जोड़कर अपनी इच्छा जो है आपकी जो भी मनोकामना है वो फिर से हनुमान जी के सामने कहनी है और कहने के बाद आपको वो दिया जो था वहाँ पर उसे जलने देना है और आपको उस रूम से बाहर आ जाना है। 5 या 6-7 मिनट के बाद आपको फिर उस रूम में जाना है, फिर वो लड्डू लेना है और वो लड्डू और जो आपने 5 तरह के फल लिए थे वो फल को आपको रख देना है, क्योंकि आप शाम को 7 बजे कर रहे हैं तो अगर नज़दीक मंदिर है, देखिए अभी क्वारंटाइन है तो अभी क्या है, हम लोग लॉकडाउन है तो अभी आप ये उपाय जो है ना ये आप कर सकते हैं अपने घर में। अगर किसी भी शिवलिंग है तो वहाँ पर आप ये 5 फल को चढ़ा दीजिए। चढ़ा देने के बाद वो 2 लड्डू या तो फिर आप किसी गाय अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, गाय को खिला दीजिए। अदरवाइज आप घर की छत पर भी रख दिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि कौवे भी आके खा लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या करना है वो आपको देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। 7 दिन को करने के बाद जब ये 7वां दिन जो एंड डे होता है, जिस दिन आप उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन करने के बाद आपको ये संकल्प भी लेना है कि मैंने अपना संकल्प पूरा किया है, उसके बाद अब मैं हर मंगलवार या फिर हर शनिवार मैं हमेशा की तरह 1 बार करके मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। तो अगर इस तरह के करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कोई भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और
ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं जो हनुमान जी नहीं करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत दिनों की इच्छा है जो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को, ये महा उपाय है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी कोई भी विश है तो वो तो फुलफिल होगी ही, साथ में अगर मंगल या फिर शनि से ग्रसित है और उनकी बुरी छाया पड़ रही है तो फिर उससे भी निजात दिलाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर किसी तरह का डर, अंदरूनी डर आप लोगों को लगा रहता है तो वो डर से निजात दिलाता है। शत्रु का भय है, शत्रु काफ़ी परेशान कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हनुमान चालीसा रामबाण होता है, इसे ज़रूर पढ़ा कीजिए। और साथ में अगर शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कोई भी काम में अगर निजात पाना चाहते हैं तो संकल्प लेकर सिर्फ 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए। इसका जो उपाय का जो रिजल्ट आता है ना, ये इतना मिराकुलस रिजल्ट आता है कि जो कि आप लोग जब तक नहीं करेंगे ये आप समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।